पूर्णा सीताराम सोसायटी खाते रहता श्रमजीवी परिवार की 15 वर्ष से किशोर ने छेला घना समय थी गुम थी होना अपहरण अंगे फरियाद नोधाई होवा छता पुलिस द्वारा कोई कामगिरी न कराता परिवार साथे समाज ना लोग भेगा थई पूर्णा पुलिस मथके पहुंची रजूआत करी हती। 22 दिवस थी पूर्णा सीताराम सोसायटी खाते रहता श्रमजीवी परिवार की किशोरी गुम हो अपहरण की फरियाद नोधाई होवा छता आज दिन सुधी किशोरी की भाड़ मड़ी नहीं। पुलिस द्वारा कराती कामगिरी थी असंतुष्ट परिवार द्वारा समाज ना लोग साथे मड़ी पूर्णा पुलिस मथके जई उग्र रजूआत करी छे। कौन सिंह शू तकलीफ होती शू फरियाद आपवामां आवे छे? अमारे लड़की है 15 साल की भांजी होती है और 22 को एफआईआर करवाया। उसके बाद हमको 2-3 बार आए हम सब भाई समाज के वगैरह काफ़ी लोग आए पर हमारे को बोलते तुम बाहर निकल जाओ और ऐसा बोले कि हमारी कार्रवाई चालू है और कोई कार्रवाई चालू नहीं है। आज तारीख हो गई है 6 तारीख हो गई आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी और उनके पिताजी जो मरने तक अब तैयार हो गए हैं। और भांजी के साथ क्या हुआ था अभी तक क्या हुआ क्या पता कोई पता ही नहीं है। कोई सुराग भी नहीं है उनका का उठा के लेके गए अपहरण किया है या क्या किया है कोई उसका कोई पता ही नहीं। हम घूम घूम के थक गए इनको जितना भी पुलिस वाले को आके जितने भी हमारे पास सुराग थे वो सब बता दिए तो भी कोई सुनवाई नहीं। एक दो जने को और भी बुलाए तो भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं है हमको बोल दी हमारी कार्रवाई चालू है जब आते जब ऐसे बोल दे तुम्हारी कार्रवाई चालू है हम सुराग देते तो उनकी कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे जो लड़के थे उनके साथ रहते वो भी भाग गए गांव और कोई उनका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। बार बार बोलते आज आना कल आना ये आना वो आना ये आना के हो जाएगा यही बता रहे हैं। हाल तो 22 दिवस थी गुम श्रमजीवी परिवार की किशोरी ने लईने परिवारजनों पर आप तूटी पड़ी है। परिवार पुलिस की कामगिरी सामे पण रोष व्यक्त कर्यो छे। अजर कुरैशी, D10 न्यूज।